जिप क्रेन है, इसको इंजन लिफ्ट करने के लिए लाए हैं। देखो ये इंजन इससे बाहर निकलता है और इसी में इंजन स्टैंड में फिट होता है। जब इंजन फिट करेंगे तो इसमें स्टैंड लगा के आपको बताएंगे कैसे इंजन फिट होता है। और ये देखिए इसमें ऑयल निकल रहा है, इसके साथ में पानी भी निकला है। ये इसके यहाँ ऊपर दिखाइए, ये हेड के ऊपर जो है, ये यहाँ हेड से जो है अपने मैनिफोल्ड पाइप से ये नदी में से गाड़ी निकली है पर रास्ते से गहरे पानी से, तो पिस्टन पे पानी आ गया, इस करके ये इसकी ट्रेड रॉड टेढ़ी हो गई, इसलिए इसे बोला है। ये जिप क्रेन से इसको निकाला है। जिप क्रेन का देखिए इस तरह से काम होता है। इधर आइए, ये बिल्कुल जेक्स है, चाइनीज जिप क्रेन है। ये देखिए ये जेक लगा हुआ है इसमें और ये 0.5 टन की ये जिप क्रेन है। इसको यहाँ से जो है पंप करके, ये देखिए इसको पंप करेंगे तो ये इंजन उठेगा। इस तरह से ये इंजन इसका उठता है, फिर लगा दो उसका जेट डाउन करेंगे और यहाँ से इस तरह से इसका प्रेशर से खोलेंगे तो ये लिफ्ट डाउन होगी। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये हटा दो बोरी, रखो इंजन के नीचे, हाँ बोरी उठा दो, यहाँ रखो नीचे। अब देखिए हम इसको डाउन करेंगे। अभी हमने इसको इस गाड़ी से निकाला इंजन को, इधर दिखाइए इसके अंदर देखिए कितने इजी निकलता है निकाल के। और फिर हमने इसको इसमें पहिए लगे हुए हैं नीचे, इस तरह से लगे हुए हैं, ये चारों तरफ यहाँ से भी घूमता है, यहाँ से भी किधर से भी इसे घुमा दिए घूम जाता है। ये इसमें पहिए लगे हुए, 6 पहिए लगे हुए हैं और इसको निकाल के इंजन को बाहर खींच दिया है। अब इसको देखिए डाउन करेंगे, ये देखिए थोड़ा खोला है हमने तो इंजन पकड़ लो ना बंपर में आ रही, और इसी में इंजन स्टैंड फिट हो जाता है। ये इंजन स्टैंड है, देखिए ये इंजन स्टैंड है, ये उसी में फिट होता है, इस पर ब्लॉक फिट होता है, सारा इंजन इसी में खड़े खड़े फिट हो जाता है। और उसके बाद में इसी से इंजन टांग के मशीन से और ये बाहर निकाल देते हैं स्टैंड को और उसके बाद में इंजन को गाड़ी पर चढ़ा देते हैं। अब जब इंजन इसका हम चढ़ाएंगे या स्टैंड पे बांधेंगे, उसकी मूवी बनाएंगे, इसी में स्टैंड फिट करेंगे जब अगली बार।